अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स एस्पायरेंट्स, आज का हमारा लेक्चर होगा जियोमेट्री के वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ। ये क्वेश्चन तकरीबन सीएसएस और पीएमएस से उठाए हैं, क्योंकि एफपीएससी के बकाया जो जनरल पेपर आते हैं या वन पेपर आते हैं पीपीएससी के, उनमें ये क्वेश्चंस कभी अपीयर नहीं हुए। तो सीएसएस और पीएमएस से रिलेटेड है तकरीबन ये वीडियो। यहाँ पर हम देखेंगे आज फेंसिंग और पेंटिंग के क्वेश्चन। आपको पेरीमीटर बता दिया जाता है, आपको एरिया बता दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि आपके टोटल प्राइस ऑफ पेंटिंग कितनी लगेगी और टोटल प्राइस ऑफ फेंसिंग कितनी लगेगी। एक इस तरह के क्वेश्चन हम डील करेंगे। दूसरा, यहाँ पे फ्लोर का एरिया बताया जाएगा आपको और एक टाइल का एरिया बताया जाएगा, और ये पूछा जाएगा कि इस फ्लोर में कितनी टाइल्स आएंगी। इस तरह के क्वेश्चन हम देखेंगे दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आपसे पूछा जाएगा कि घड़ी पे इस टाइम पे ये टाइम हो रहा है, आप बताएं कि इन दोनों के दरमियान मिनट एंड और आर एंड के दरमियान क्या एंगल बनता है। एक ये क्वेश्चन है। नंबर चौथे नंबर पे हमारे पास क्वेश्चंस होंगे ट्राइंगल के एरिया से रिलेटेड। तो ये चार टाइप्स के हम यहाँ पे आज क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन ये बताया गया है कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ जो है 25 मीटर है और ब्रेथ जो है वो 15 मीटर है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर के हिसाब से 10 रुपये है, तो टोटल जो हम फेंसिंग करेंगे वो कितनी होगी। तो एक रेक्टेंगल है, एक तरफ हमारे पास 25 मीटर है और यहाँ पे 15 मीटर है और यहाँ पे 25 मीटर है, और हमने एक बाउंड्री लगानी है। तो बाउंड्री जो है वो चारों तरफ होती है, तो हमें क्या चाहिए होगा, पेरीमीटर चाहिए होगा। पेरीमीटर का हमें फार्मूला पता है कि 2l + b। इस फार्मूले के तहत हम मैयर करेंगे। कैसे मैयर करेंगे, सबसे पहले आप ड्रॉ करें 15 मीटर और 25 मीटर आ गए। उसके बाद कि आपने फार्मूला रखा, फार्मूले में आपने दोनों वैल्यूज पुट किए और हमारे पास 80 मीटर का टोटल पेरीमीटर आ गया, क्योंकि 15 मीटर यहाँ से था और ये भी इक्वल होते हैं, तो 25 मीटर यहाँ से था। 25 और 25 50 ये हो गए, 15 और 15 30 ये हो गए, 50 और 30 इक्वल हो गए 80 के। इस तरह से हमें टोटल बाउंड्री मिल गई, टोटल बाउंड्री हमारी आ गई 80 मीटर की। अब वो कॉस्ट कितनी दे रहा है, पर मीटर के हिसाब से 10 रुपये चार्ज कर रहा है। तो 80 मीटर के कितने चार्ज करेगा, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 80 के साथ, तो टोटल 800 रुपीज़ हमारी कॉस्ट बन गई। क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी फार्मूले से होना है, पर इसमें क्या किया है कि जो वेरिएबल पहले गिवन था अब वही पूछा गया है। अब ये जो है एक एंड से स्टार्ट कर रहा है, कैसे कि आपको फेंसिंग बताई गई है कि टोटल उसने 2000 रुपये लिए, 20 पर मीटर के हिसाब से उसने फेंसिंग की है, ठीक है। एक साइड की विड्थ दे दी है, तो बताएं कि दूसरे साइड की लेंथ कितनी है। कैसे सॉल्व होगा कि जो चीज़ हमने नहीं गिवन है, जो हमने मालूम करनी है, उसको हमने सपोज किया एल यानी लेंथ, फिर हमें विड्थ जो है वो उसने गिवन है 16, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर जो है वो 20 है और टोटल कॉस्ट जो है वो 2000 है। तो जब हम 2000 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 100 मीटर की फेंसिंग की थी, फेंसिंग 100 मीटर की है। जब हमें पता चल गया 100 मीटर का बॉर्डर है, तो हम मजीद हम उसमें से दूसरी साइड की लेंथ निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप वेरीफाई करने के लिए ये भी कर सकते हैं कि 100 मीटर जो है अगर उसने चार्ज किए थे 20 के हिसाब से, तो आप 20 को अगर 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कि क्या 2000 आता है। तो यहाँ पे 2000 आ रहा है और इसका मतलब है कि अभी तक हम सही जा रहे हैं। तो 100 मीटर हमारा पेरीमीटर आ चुका है। फार्मूले में हम दोबारा पुट करेंगे, 2 लेंथ + ब्रेथ = 100 = perimeter। पेरीमीटर हमने यहाँ पे निकाला है, 16 गिवन है एक साइड की लेंथ, दूसरे साइड की लेंथ हमें l रख दिया हमने और 2 हमारा सेम था। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि 34 मीटर जो है दूसरे साइड की लेंथ है। इसको आप दोबारा से वेरीफाई कर सकते हैं ड्रॉ करके, कैसे 16 उसने पहले बताया था तो यहाँ पे भी 16 होगी, 34 हमने निकाला है तो 34 यहाँ पे भी होगी, ठीक है। इसका मतलब 68 यहाँ से हो गया, 32 यहाँ से हो गया इन दोनों की, तो 32 और 68 को प्लस करें तो 100 मीटर बनता है। इसका मतलब है पेरीमीटर भी ठीक है, इसका मतलब है कॉस्ट भी ठीक है, इसका मतलब है हमारा आंसर भी ठीक है।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, यहाँ पे एक नया फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक रूम है, वो 8 मीटर बाय 6 मीटर बाय 3 मीटर है। अगर आपको एरिया जो है 3 डायमेंशन में बताया जा रहा है, यानी 3 जो है वो डायमेंशन में एरिया गिवन है, तो आप क्या करेंगे कि उसका फार्मूला एरिया का डिफरेंट होगा। यहाँ पे मैं आपको फार्मूला दिखाता हूँ। तो ये वाला फार्मूला आप याद रख लें कि हमने एरिया निकालना होगा तो हम 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। तो वो यहाँ पे कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है पर जो है वो पर स्क्वायर मीटर जो है वो 60 रुपीज में हो रहा है, तो टोटल का बताएं। इसके लिए पहले एरिया निकालेंगे, एरिया इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तीनों साइड के हमने जब पुट कर दिए तो हमारे पास एरिया बन गया 84 मीटर स्क्वायर। पर मीटर अगर 60 रुपीज में हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 84 के साथ, तो 84 मीटर के लिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5040 रुपये। तो हमें पता चल जाएगा कि वो टोटल जो पेंटिंग होनी है वो 5040 रुपये में होनी है। ये बस फार्मूला आपने याद रखना है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे गिवन है कि 30 मीटर लॉन्ग और 20 मीटर वाइड जो है एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी फेंसिंग भी करनी है, पेंटिंग भी करनी है। फेंसिंग की इसने रकम बता दी 5 रुपीज़ जो है वो पर मीटर, और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो है 10 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। सेम क्वेश्चन है, बस 2 क्वेश्चन कंबाइन किए मैं यहाँ पे। कैसे होगा ये क्वेश्चन डील? सबसे पहले एरिया निकालेंगे हम। एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रिथ, यहाँ पे एक साइड 20 है एक साइड 30 है, इसलिए हमारे पास एरिया है वो 600 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। देन पेंटिंग कैसे होगी? पेंटिंग कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 10 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है, तो हमारे पास टोटल 600 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल पेंटिंग की रकम आ जाएगी 6000 रुपये। क्योंकि पेंटिंग हमारे सारे एरिया पे हो रही होती है तो हम असल में एरिया ही फाइंड करते हैं। जब एरिया मिल जाता है तो पर स्क्वायर वाले के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल हमारे पास रकम आ जाती है। देन पेरीमीटर हम मालूम करेंगे। पेरीमीटर का फार्मूला 2l + b, हमारे पास यहाँ से इस फार्मूले से 20 और 30 जब पुट करते हैं तो हमारे पास 100 मीटर आ जाता है। 100 मीटर का पेरीमीटर है, 5 रुपये पर मीटर के हिसाब से चार्ज कर रहा है, तो 100 मीटर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास 500 रुपीज़ आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, जिसमें दोनों कंबाइन करके दिए हुए थे, एरिया भी और आपके पेरीमीटर भी। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 80 मीटर, द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ टू इट्स विड्थ इज 5:2, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब ये कह रहा है कि आपका एक रेक्टेंगल है, अब इसका जो पेरीमीटर है यानी चारों साइडें जो है वो मिलके 280 मीटर बनाती हैं। अब यहाँ पे जो एक विड्थ है या ब्रिथ है और लेंथ है, इन दोनों के दरमियान 2:3 का मार्जिन है, तो बताएं कि एक्चुअल में वैल्यूज़ क्या हैं चारों साइडों के। कैसे करेंगे हम? पहले 5 हमें टोटल क्या है हमें नहीं पता, इसलिए हम इसको 5 को 5 मल्टीपल ऑफ x करेंगे। x हमने सपोज किया तो 2 मल्टीपल ऑफ x, तो 2x यहाँ से हो जाएगा। इसी को हम फार्मूले में पुट करेंगे, 2l + b इज इक्वल टू हमारे पास पेरीमीटर। तो लेंथ में हम यहाँ पुट करेंगे ये, और ब्रेथ में यहाँ पे पुट करेंगे। पेरीमीटर ऑलरेडी उसने 280 बताया हुआ है, तो इस फार्मूले को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक साइड की लेंथ आ जाएगी। कैसे? ये देखें, हमने लेट किया 5x और इधर विड्थ को हमने लेट किया 2x। अब इस फार्मूले हमने ये फार्मूला हमारा फार्मूले में हमने जब ये पुट किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 20 आ गई। अब ये था कि l इज इक्वल टू 5x, तो लेंथ निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना था हमने 20 को, तो लेंथ आ जाएगी हमारे पास 100। और विड्थ निकालने के लिए हमें करना था 2x यानी 2 इंट हमारे पास 20, तो विड्थ आ जाएगी हमारे पास 40। तो लेंथ और विड्थ हमारे पास आ गए हैं, तो वो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है हमारे पास एरिया। एरिया कैसे निकलता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो इसी तरह हम क्या करेंगे कि 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4000 स्क्वायर मीटर।
इस तरह से ये एरिया फाइंड करना था। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। अच्छा यहाँ पे एक हमें बताया गया है कि एक रूम है जिसका फ्लोर जो है वो 24 मीटर बाय 36 मीटर है और हमने यहाँ पे टाइल्स लगानी है, मार्बल या टाइल लगानी है। टाइल का जो लेंथ है वो एक साइड की 6 मीटर है और दूसरे साइड की भी 6 मीटर है, तो बताएं कि टोटल इस रूम में कितनी टाइलें लगेंगी। तो ये कैसे होगा सॉल्व? सबसे पहले हम एरिया फ्लोर निकालेंगे। एरिया फ्लोर निकालने के लिए हम यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एरिया ऑफ फ्लोर आ गया जी 2864 स्क्वायर मीटर। और हम इसका भी एरिया निकालेंगे। इसका एरिया कैसे बनेगा? 6 × 6, यहाँ पे 36 स्क्वायर मीटर यहाँ पे इसका एरिया आ गया। तो क्या होगा कि हम इसके एरिया में को डिवाइड करेंगे टाइल के एरिया को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 864 को हमने जब डिवाइड किया 36 से, तो हमारे पास हमें पता चल गया कि 24 टाइल्स यहाँ पे आनी है इस तरह। ये क्वेश्चन भी बड़े कॉमन है सीएसएस में, आप देखेंगे 8 साल में 2-3 दफा तो रिपीट हुए ही हैं। अच्छा देन हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइल्स ऑफ एरिया 15 स्क्वायर मीटर विल बी नीडेड टू कवर अ फ्लोर 5.85 मीटर बाय 6.9 मीटर। तो हमें फ्लोर का एक साइड बताया गया है 5.85 और फ्लोर का दूसरा साइड बताया गया है 6.90 मीटर, और हमारे पास टाइल जो है उसका इस दफा दोनों साइड नहीं बताई गई, उसका उन्होंने कैलकुलेट करके खुद दे दिया है कि जी 15 स्क्वायर सेंटीमीटर का ऑलरेडी जो है वो टाइल है, पर हमें उन्होंने एक जो है यहाँ पे चलाकी ये की है, यहाँ पे हमें सेंटीमीटर दिया है जबकि ये वैल्यू हमारी मीटर में है। तो इस वाली वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे कि जी इसके टोटल एरिया को हम डिवाइड करना है हमने टाइल्स के एरिया से, तो इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई किया और डिवाइड करना है टाइल्स के एरिया को, तो टाइल्स का हमने एरिया कैसे लिखा 15 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने आंसर आ गया 269। आप इसको कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जब मीटर में आप कन्वर्ट कर लें, मीटर में कन्वर्ट करने में आपका आएगा 0.0015 मीटर स्क्वायर, तो फिर जो है आप टोटल फ्लोर के एरिया को डिवाइड करें पर टाइल के एरिया को, आपको पता चलेगा कि 2691 टाइल्स लगनी है यहाँ पे। अच्छा जी अब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि जी घड़ी में टाइम हो रहा है 7:30 बजे, बताएं कि मिनट एंड और आर एंड के दरमियान एंगल क्या बनेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बनाते हैं और एंगल निकालने बैठ जाते हैं कि जी इतना हो रहा है तो एंगल इसके दरमियान क्या होगा, ये माइनस करेंगे, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। इसका फार्मूला गिवन होता है कि जी आर इंटू 30 − 11/2 मिनट, तो सिंपल आपने 7 घंटे हो रहे हैं यानी 7 30 मिनट्स हैं यानी यहाँ पे मिनट 30 − 11/2 सेम रहेगा, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 45 डिग्री, तो मिनट एंड और आर एंड के दरमियान 45 डिग्री। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, एक ट्रिक है, ट्रिक ये है कि पूछ रहा है कि 9:30 बजे मिनट एंड और आर एंड के दरमियान क्या एंगल बनेगा, कैसे सॉल्व होगा। सेम हमारा हमारे पास वही फार्मूला आ गया, आर की जगह हमने 9 लिख दिया और मिनट्स की जगह हमारे पास 15 लिख दिया, 30 − 11/2 सेम रहा, जब हमने आंसर निकाला तो 187 आ गया। अब रूल ये कहता है कि जब भी 180 से आंसर अबव होगा तो हम उसको 360 में से माइनस करेंगे फिर हमारा आंसर आएगा, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 172। अगर आप ये आंसर बताते हैं तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका आंसर। तो आपने इस फार्मूले में ये याद रखना है कि जब भी आपका आंसर 180 से क्रॉस हो जाएगा तो आपने इसको 360 से माइनस कर लेना है, तो यहाँ पे आपका आंसर 172.5 है। यहाँ पे देखें कैसे होगा ये सॉल्व। सबसे पहले हमने ये कहा कि एरिया जो है a इंटू बी होता है और 30 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। दूसरी इक्वेशन हमारे पास पेरीमीटर जो है वो 2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी होता है,
तो इसलिए वो आ गया 26 के इक्वल। तो दूसरी इक्वेशन यहाँ से आ गई। अब दो इक्वेशंस आपको मिल गई हैं, दोनों को सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमने सबसे पहले यहाँ पे 2 को डिवाइड कर दिया यहाँ पे 26 से, ताकि हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाए। तो ए प्लस बी यहाँ से 30 सेंटीमीटर हो गया, और दूसरी इक्वेशन यहाँ पे हमने पुट की है, और इससे करते सॉल्व करते करते हमारे पास आंसर आया जी, बी की वैल्यू या तो 10 है या तो 3 है। अच्छा, ये किस तरह जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि जी आपके दो आंसर्स आए, पर इस तरह से आ भी सकते हैं, इसलिए मैंने ये एग्जांपल आपके इंक्लूड की है यहाँ पे। अक्सर सीएसएस में और पीएमएस में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि एंड मैट्रिक होती है, कि यहाँ पे आंसर जो है इस तरह की इक्वेशन आती है और इस इक्वेशन को ब्रेक करना होता है हमें असल में ए माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस 10। तो यहाँ पे हमने इसको ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद या तो ए की वैल्यू 3 है या तो ए की वैल्यू 10 है, क्योंकि a माइनस 3 पहले हम रखेंगे इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और इसी तरह से a माइनस 10 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो दूसरी तरफ 10 चला जाएगा और a इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो या तो b की वैल्यू 10 है या 3 है। इस तरह से हम a की वैल्यू भी निकाल लेंगे। और यहाँ पे अच्छा, लास्ट क्वेश्चन हमने सबसे मुश्किल डील करना होता है, इसलिए यहाँ पे सबसे मुश्किल क्वेश्चन ये है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। कह रहा है कि अगर हम एक ट्रायंगल की हाइट को डबल कर देते हैं और बेस को डिक्रीज कर देते हैं 20%, तो बताएं कि रेशियो क्या बनेगा ओल्ड एरिया में और न्यू एरिया में। इसके लिए सबसे पहले आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आपको आना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है जी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब आपने कैसे करना है, बाकी तो मैथमेटिकल सॉल्यूशन है। कैसे करना है कि हमने फर्स्ट जो हमारे पास ट्रायंगल है जो ओरिजिनल है उसको हमने कह दिया H1 और B1, बेस को B1, हाइट को H1। फिर इक्वेशन में क्या कह रहा है कि जब हम हाइट को डबल करेंगे तो क्या हो गया 2H1, और कह रहा है कि बेस को 20% डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज करेंगे 20% तो बाकी कितना बचेगा 0.8B1। अब रेशियो निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास ओरिजिनल वाला और एरिया ऑफ ट्राइंगल न्यू वाला दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये पुराने वाला है और ये हमारे पास नया वाला है। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में सबको तो 1.6 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे भी आंसर दे सकते हैं कि 1:1.6 आंसर है इसका, पर बेहतर ये होता है कि आप 1.6 को कन्वर्ट करके एक होल नंबर में लेके आएँ, फ्रैक्शन नंबर रेशियो में नहीं लिखे जाते। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करके आगे कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 5:8। ये क्वेश्चन इस तरह से डील होंगे। यहाँ पे हमारे ज्योमेट्री के आज क्वेश्चंस खत्म होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।